नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 8वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 9 है, यानी कि वर्कशीट नंबर 9 18/8/2021 के लिए। और प्यारे बच्चों, जो ये वर्कशीट है, ये पिछली वर्कशीट की तरह ही इसमें भी लाख की चूड़िया, जो कि हमारे वसंत नामक पुस्तक में पाठ 2 है, लाख की चूड़िया, जिसे लिखा है कांतानाथ जी ने, उसी का ये चौथा भाग यहाँ पर दिया गया है। एक एक पैराग्राफ करके यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर इस पाठ को भेजा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण पाठ है, इसमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ जाएँ, प्रश्न भी समझ में आ जाएँ और उत्तर भी आप जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद अब जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों के में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल जाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो ये यहाँ पर गद्यांश है बदलू काका के बारे में, कि जो लेखक थे वो 3-4 साल तो लगातार गए, उसके बाद उनके पिताजी की बदली किसी और दूर शहर में हो गई थी, तो फिर वो वहाँ चले गए अपने पिताजी के साथ। उसके बाद वे अपने मामा के घर नहीं आ पाए। तो समय बीत गया 8-10 साल का, 8-10 साल के बाद जब वो अपने मामा के गांव घर गए लेखक, तो भाई उनको ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि अब वो लेखक बड़े हो चुके थे और उनको गोलियों से कोई मतलब नहीं रह गया था। ठीक है, बचपन में ही गोलियों की ज़रूरत होती है, या कंचों की या खेलने की, तो जब बड़े हो गए थे तो उन्हें ध्यान ही नहीं था। तो फिर उन्होंने वहाँ पर बदलाव क्या देखा कि अधिकतर जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वो कांच की चूड़ियां पहन रही थी। तो फिर ध्यान उनको कैसे आया लेखक को बदलू का, कि बरसात का दिन था और बरसात में उस जो लेखक थे उनके मामा की छोटी जो बेटी थी
उसका पैर फिसला और गिर गई। गिरने के बाद उसके हाथ में जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी उसने, वो टूट कर उससे कट गया। तो भाई मामा जी घर पे थे नहीं, तो घर पे नहीं थे तो मरहम पट्टी किसको करनी पड़ गई? लेखक को करनी पड़ गई। तो फिर लेखक को ध्यान आया कि अरे यहाँ तो चूड़ियाँ लाख की बनाते थे बदलू काका, तो शाम को उसी दिन वहाँ गए। कहाँ? बदलू के घर पे। तो बदलू क्या कर रहा था? नीम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठ लेटा हुआ था। तो जब लेखक ने कहा कि बदलू काका, और नमस्ते बदलू काका, तो बदलू काका समझ पहचान नहीं पाए। उन्होंने नमस्ते का उत्तर तो दिया लेकिन एकदम देखने लग गए कि कौन है। तो फिर लेखक ने बोला, मैं हूँ जनार्दन काका, कि मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके पास से क्या लेकर जाता था? गोलियाँ बनवा कर लेकर जाता था। तो फिर भी नहीं आया समझ में, तो थोड़ी देर तक वो सोचते रहे। फिर थोड़ी देर में बोले, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आना हुआ। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि बदलू काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और लेखक अब छोटे बच्चे नहीं रहे, वो भी बड़े हो चुके हैं। ठीक है, समय बदलता गया, अब लाख की चूड़ियाँ कोई पहन नहीं रहा है, सभी कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर ये गद्यांश है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, लेखक गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था? तो इसका उत्तर रहेगा, अपने मामा के यहाँ। ठीक है, प्रश्न नंबर दो है, बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुतायत में दिखी? तो किस चीज़ की चूड़ियाँ थी भाई? कांच की चूड़ियाँ थी। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताता है? तो लेखक ने क्या नाम बताया अपना? जनार्दन। ठीक है, प्रश्न नंबर चार है, लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? तो लाख की जो गोलियां थी उनमें क्यों नहीं रह गई थी रुचि? क्योंकि वो अब बड़े हो चुके थे और गोलियां खेलने का जो समय होता है वो बचपन का होता है, तो 8 से 10 साल बीत गए थे, यानी कि लेखक अब बच्चे नहीं रहे थे। ठीक है, इसलिए उन्हें किसमें? लाख की गोलियों में दिलचस्पी नहीं रही थी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पाँच, आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू किया होगा? तो भाई आपके अनुसार क्यों किया होगा? अब जैसे मैं बताता हूँ कि कुछ कोशिश करता हूँ बताने की, कि जो कांच की चूड़ियाँ थी वो सस्ते में मिल जाती होंगी, लाख से सस्ती मिलती होगी, है ना? और कांच की चूड़ियाँ रंगीन, है ना, रंगीन होती होंगी, अच्छी लगती होंगी, खूबसूरत दिखती होंगी, क्योंकि वो मशीन से बनी होती है। ठीक है, इस तरह से कई सारे और भी आप ढूंढ कर लिखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर छः, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हों और वह आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हों, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? तो इसमें आपने अपने बारे में लिखना है और उस व्यक्ति के बारे में लिखना है जिससे आपकी कई दिनों बाद मुलाकात हुई होगी और उसने आपको पहचाना नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपने कैसे उसे याद दिलाया होगा? इस चीज़ के बारे में आपने स्वयं लिखना है, ये आपके लिए कार्य है। ठीक है, तो अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। तो जब भी घर से बाहर निकलें अपना मास्क जरूर
पहने। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का कार्यपत्रक आपके लिए, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 9 हिंदी विषय में, और इसको आप सभी बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें, इसके प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।